नमस्कार, स्वागत है हमारे वशीकरण ज्ञान टोटका यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यार भक्तों, आज हम बताएंगे ये चमत्कारी टोटका। ये चमत्कारी टोटका आपको सिर्फ प्यार नहीं, पैसा नहीं, पावर नहीं, ताकत नहीं, हर चीज़ हर आपके ज़िंदगी में मिलेगा। जो चाहोगे आप हासिल कर सकते हो। ये जो हम बताएंगे आपको, ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, साधारण टोटका नहीं है। इस टोटका को करने के बाद आपका आपके पास गाड़ी, बंगला, पैसा, धन, संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी और आपके लाइफ में जो चाहिएगा अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज हम बताएंगे एक बहुत ही बड़ा पावरफुल एक मंत्र के सहारे। जैसे इस मंत्र को पढ़िएगा, आपके पास दैवीय शक्ति आ जाएगी और खास करके माता पार्वती और माँ दुर्गे की इस मंत्र से बहुत प्रभावित होती है। माँ लक्ष्मी इस मंत्र से बहुत प्रभावित होती है और इस मंत्र को यदि आप मंगलवार के शाम के 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में इस मंत्र का यूज करते हैं तो यकीन कीजिएगा, आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसका जो प्रभावित है, ये बहुत ही बड़ा योगदान है इस मंत्र में। इस मंत्र का बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है जो कि आप नहीं जानते हैं। और इस मंत्र को हम संधि विच्छेद करके आपको बताएंगे, एक एक मंत्र को तोड़ करके हम बताएंगे कि इस शब्द में क्या क्या वास होता है, इस शब्द में क्या क्या होता है। जैसे आप तो जानते हैं ओम नमः शिवाय का मतलब। जैसे ओम नमः शिवाय जो है ना, ये अपने आप में 3 अक्षर का मंत्र होता है और ये बहुत ही ताकतवर मंत्र है। इसी तरह ये जो मंत्र आपको बताने जा रहे हैं, ये माता दुर्गा और माँ पार्वती की सबसे पावरफुल ताकतवर मंत्र है और लक्ष्मी जी का भी ये पावरफुल मंत्र ताकतवर माना जाता है, जिस मंत्र के सहारे बहुत सारे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपको भी धनवान होना है, यदि आपको भी पैसे वाले होना है, यदि आपको भी गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए, यदि आपको भी अपना प्यार चाहिए, आपका पावर और पोजीशन चाहिए, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये कौन सा मंत्र है। मंगलवार के शाम के 7 बजे आपको करना क्या है, एक थाल में एक आरती सजा लेनी है। माँ दुर्गे, माँ लक्ष्मी या माता गौरी यानी पार्वती जी के पास, कोई भी तीनों चारों देवी में किसी का भी मूर्ति हो, आप जानते हैं माता गौरी, लक्ष्मी माँ, सरस्वती, दुर्गा, सब नौ दुर्गा एक ही रूप है दुर्गा जी। इस नौ दुर्गा में किसी का भी फोटो अगर आपके पास है तो उसके पास जाना है और जा करके करना क्या है, आरती करना है शाम 7 बजे के बाद और पूजन करना है। पूजन करते समय इस मंत्र को यूज करना है। कौन सा करना है मंत्र, कैसे मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सत् भूतिरे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नहो प्रचोदयात् स्वाहा। इस मंत्र को आप सरल भाव में 11 बार पूजन करते समय इस मंत्र को बोलिएगा और स्वाहा की जगह पर पे जैसे आप स्वाहा बोलिएगा, अपने घर में धूप होगा, धूप के बाद धूप और आग जला लीजिएगा और उस धूप में हवन कीजिएगा। जितना बार स्वाहा कीजिएगा उतना बार हवन कीजिएगा, आप चमत्कार देखिएगा। सिर्फ 11 दिन के बाद आपकी अच्छी खासी नौकरी का कॉल आ जाएगा या कहीं आप कुछ कर रहे हैं उसमें आपकी प्रॉपर्टी होगी, आपकी बिजनेस व्यापारी चलेगी और आप बहुत ही जल्द धनवान बन जाएंगे और आप बहुत ही पावर पोजिशन के ऊपर चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे भक्तों, यदि आप मेरे इस वीडियो को देख करके अगर आपको सीख मिलता है, अगर अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा और
जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा।